ओ मेरी जान, क्या मस्त लग रहा है ना यहाँ से चलना फुल पावर। एंड पहले ना यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना पड़ता था। ओ भाई साहब, फुल पावर, एग्जॉस्ट अभी पानी में नहीं चला गया। आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज योर होस्ट हिजाब, बट बैक विद अनदर राइट वीडियो। सो भाई आज मुझे जाना है बानिहाल, बिकॉज जो मेरी ओबू की गाड़ी है ना उस पर कुछ चालान वगैरह है, जो है नाशरी का एक एंड दूसरा है आई थिंक बानिहाल से आगे कुछ कहते हैं उसको वहाँ का, ठीक है ना। तो वो बानिहाल कोर्ट में ही जाके, क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ था एंड दूसरी बात उन्होंने फिर वो फॉरवर्ड करके कोर्ट के वो डाल दिया। ये चेक करके अभी लगभग अनंतनाग के पास बस आगे कुछ ही चलना है, ठीक है। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:35, ठीक है भाई। तो चेक दिस आउट। तो जी चलिए जी भाई, आज के ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज ना सच में आज टॉप एंड करना था बाइक का, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँ बिकॉज हम डबल है, तो डबल में टॉप एंड इम्पॉसिबल होता है बाइक का। सो भाई साहब थोड़ा जान, ठीक है ना, ऐसी कुछ लग रही है सामने से। एंड वो देखे भाई, हमेशा की तरह मेरा कज़िन मेरे साथ, एंड दस कुछ ऐसी लग रही है अभी। चलिए भाई हम दो मिनट पानी वगैरह पीते हैं एंड देन आपको मिलेंगे बाइक पे। तो जी फाइनली भाई हम आ गए बाइक पे, ठीक है ना। शाकिर को आ गया फ़ोन। हेलो भाई साहब, आज हाईवे कितना सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे, ठीक है ना। फुल पावर भाई, हाईवे पूरा एकदम खाली है। एंड ये रही कुछ अपनी जान। जी फाइनली भाई हम आ गए भाई पे, एंड व्हाट द ट्रक इज डूइंग यार। फुल पावर, फुल पावर गाइस। एंड मैं अप्रोक्सीमेटली इसी स्पीड पे कंटिन्यूअसली चल रहा हूँ, 90 कंटिन्यूअसली चल रहा हूँ। श्रीनगर में बाईपास में छानपुरा पे चढ़ाए बस यही 80-90, ठीक है ना। एंड वहाँ पे एक जगह एक्सीडेंट भी हुआ था भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेडली एक्सीडेंट हो गया था। एंड वी आर नाउ एट अनंतनाग रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है ना। सामने रही रेलवे क्रॉसिंग भाई। ओ भाई साहब, व्हीली भाई, व्हीली करेंगे, पकड़ के रखना, व्हीली करूँगा मैं। हाँ ठीक है। तो जी चलिए महाराज, नाउ इट्स टाइम फॉर द व्हीली गाइस। अभी भी व्हीली। अंकल जी फैन हो गया अपना। इस पे नहीं होगा क्योंकि ये डाउन है ना, तो डाउन टाइप पे नहीं होता है। सब तीसरी बार फिर से रोका भाई, क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ से ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बोलूँ भाई। टाइम मैं हूँ अभी लेवदूरा से नीचे हल्का सा, ठीक है ना भाई। अभी मैं रुकूँगा नहीं, डायरेक्ट बाहर दो 100 से ऊपर ही चलूँगा काजी मुंतर, ताकि भाई फिर से ना रोक पाए। ये सीन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं यार, क्योंकि ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से गर्मी, चलो अगर ठंडी होती ना, ठंडी में इंसान बर्दाश्त कर लेता है खड़ा, बट भाई आज गर्मी है तो गर्मी में ऊपर बाइक पे खड़े बैठना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। ये व्हाट इज द ट्रक इज डूइंग गाइस। ये सीन पूरा 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 गलत हो गया। हम जाते लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, इधर से चलते।
काजीगुंड 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 कोजगुंड छुम गसुन आहो भाई साहब ये क्या शूट हो रहा था भाई। चेकआउट द लोकेशन गाइस, क्या मस्त लग रहे हैं हर एक जगह से। सर ने इतने टाइम तक मेरा फोटो शूट किया, मैंने उसका कर दिया वो अगर बोल देता उतने टाइम में व्हाट्सएप कर देता जितने टाइम तक वो फोटो खींच रहा था भाई, ठीक है ना। चेक दिस आउट द फुल पावर हाईवे, खाली है भाई, फुल मजे। ओहो भाई साहब फुल पावर है। एंड वी आर नाउ एट काजीगुंड, ठीक है ना, चौरूसा बोलते हैं इस साइड से, अंदर वाली साइड जो है ना वो काजीगुंड है। इस गांव को जहाँ से हाईवे निकलता है, दिस इज आउटर साइड ऑफ दिस, ठीक है ना, इसको चौरूसा समथिंग बोलते हैं भाई। फुल पावर है गाइस, हमें जो है ना वहाँ से मुड़ के यहाँ आना है, बिकॉज यहाँ तो क्रॉसिंग है ही नहीं, कहीं पर रखी नहीं है उन्होंने। एंड नाउ आर्मी कानवाई है आई थिंक, उसकी वजह से इन्होंने जो है ना पूरा ट्रैफिक स्टॉप करके रखा होगा। हम जो यहाँ से बिस्मिल्लाह ही तौकुल। सो जी फाइनली गई, छोड़ दिया यहाँ से इन्होंने। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई इस इलाके में, भी गर्मी ठीक ठाक है। इसका बने रहो मेरे बंद सब सरी डेल तो रसखंड रोला है भाई अपना, कौन रोकेगा जब कैमरा देखते ना भाई, रोकना ही मुश्किल हो जाता है। एंड ये वो टनल है जिसमें मैंने 154 तक बगाया है जानी को, BMW R1250 GS बाई 1260 GS को, यार उसकी हालत मैंने ख़राब कर दी थी इस टनल में। दो मेरे हाथ दिल। तो चलिए भाई हम जा रहे हैं टनल के अंदर, ना चेक कर लेना भाई साउंड क्या मस्त आएगा इसमें। फुल पावर गाइस, फुल पावर। सिंगल में इजीली उठ जाती है, बट डबल में ना इसको प्रॉब्लम होती है उठाने में। डबल में क्या है ना कि वजन बहुत ज़्यादा रहता है। सिंगल की मैं अगर बात करूँ ना, सिंगल में इजीली उठ भी जाती है, लेकिन फिर बैलेंस करना बाइक को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वेट बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से लगा रहता है इस पर। ओह भाई साहब टनल के बाहर अभी आया नहीं बंदा, क्या हालत ख़राब। वेलकम टू बानीहाल गाइस। फुल पावर, फुल पावर। तुम्हें पता है हम यहाँ से बाइक को न्यूट्रल करके चलेंगे। ओ मेरी जान क्या मस्त लग रहा है ना यहाँ से चलना, फुल पावर। एंड पहले ना यहाँ से होते हुए ऊपर जाना पड़ता था। चेक दिस आउट द ब्यूटी भाई, और टनल में यार इतना मजा आया कि पूछो मत। फुल पावर, ओ खड़े होने का भी अलग ही सुकून है भाई इस पे। चेक दिस आउट माय जान, लास्ट टाइम जब मैं अमृतसर राइड से बैक आ रहा था तब मैंने फोटो खींचा था यहाँ पे, जब मेरी पूरी बैंड बजी पड़ी थी ना उस टाइम पे मैंने ये खुला ना, आगे ट्रैफिक वगैरह भी है, ट्रैफिक वाले भी है, तो भाई हम यहाँ से चलते हैं। ओ भाई साहब फुल पावर। मोइनू सर बानिहाल श्रीनगर से, फोन में है सर। लोकल यहाँ के नहीं, हम श्रीनगर से है, अभी कोर्ट में जाना है चालान ख़त्म करवाने, क्योंकि आज लास्ट डेट है चालान का, ये आपको भी पता होगा इसलिए।
हाँ जी कुछ बाने हाल की मार्केट में यूपी नंबर देखा तो भाई बोल रहे थे शायद इनको बाहर जाना हो, ठीक है ना। एंड फाइनली गई सभा में जाना है कोर्ट पे। एंड यहाँ पे हम पहले रुक के ये कंफर्म करेंगे कि कोर्ट जो है ना वो कहाँ पे है। यहाँ पे है कोर्ट सामने हमारे, ठीक है ना। हम करते हैं बाइक को पार्क यहाँ पे, ठीक है। चलो शाकिर उतर जाओ। तो भाई दिस इज़ द कोर्ट ऑफ मुनसिफ जज मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो कैमरा को कर देते हैं बंद बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सो भाई कैमरा को कर देते हैं हम बंद। तो भाई सब सीन ही गलत हो गया, सीन कुछ ऐसा हो गया। रुको मैं कैमरा ना अपनी तरफ मुड़ के बात करता हूँ। गलत सीन हो गया भाई, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे राम बन जाना पड़ेगा। यहाँ मैंने अंदर बात की इनसे एंड इन्होंने बोला कि जो आपका चालान है ना वो हुआ वो नाशरी में हुआ है एंड भाई वो जो है रामबन में ही होगा। दोनों चालान सारे बड़े चालान जो है ना वहीं पे होते हैं बड़े कोर्ट में। हाँ कैमरा मैन वेरी गुड भाई, ठीक है ना। अब पहले सबसे पहले घर कॉल करके बोलते कि ऐसा सीन है एंड देन अब देखते हो वगैरह क्या बोलते हैं। यार जाना भी आप यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से आई थिंक 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है रामबन, वहाँ चले जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड भाई, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई अभी मैंने घर बात वगैरह कर ली तो उन्होंने बोला कि सीन आप जो है मैं उबू ने बोला कि मैं आप खुद करवाता हूँ यहाँ से बनिहाल, टाइम लगेगा आपको बिकॉज़ रोड ख़राब है। तो भाई उसकी वजह से मैं 4 बजे तक लेट पहुँचूँगा, फिर नाइट मुझे स्टे करनी पड़ेगी। उबू ने बोला मुझे कल जम्मू जाना ही है तो मैं खुद अब करवा दूँगा, आप वहाँ से वापस आ जाओ। अब मुड़ रहे हम वापस, ठीक है ना। अब आगे ट्रक यार्ड में जाके हम रील्स वगैरह बनाएंगे फुल पावर, बाइक को धोते हैं देन रील्स वगैरह बनाएंगे फुल पावर, ठीक है ना। अब आए ही है, अभी 2 बजने वाले हैं तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। यहाँ से हार्डली 1.5 घंटा लगेगा घर तक, अगर हम नॉर्मल स्पीड में भी चले ना तो 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा। जब यहाँ पे रोकते थे तो मैं गाड़ी लेके यहीं पे आता था धोने के लिए। कहाँ पे? हाँ देखो ऊपर चेक करे भाई, गाइस लोग नहा रहे हैं। हम पानी में आज जाने को पहली बार में ले लूँगा भाई, आज तक मैंने कभी जाने को ना। यहाँ पे बाल्टी वगैरह भी है चाचा के पास, ये भी है। तो भाई फुल पावर आज मजे है। शाकिर निकाल तू ऊपर कर ले ट्राउज़र को, पानी में चलते हो। चलिए गाइस पानी ऊपर तो नहीं आएगा ना, जहाँ तक मेरा इनलेट है वहाँ तक नहीं आना चाहिए बस। ओ भाई साहब फुल पावर। हाँ जी हाँ केशन परवाए तो नहीं आराम सान। ओ भाई साहब फुल पावर, एग्जॉस्ट अभी पानी में नहीं चला गया। वो हो फुल पावर मजे गाइस फुल पावर। हम करते बाइक को 2 मिनट खड़ी यहाँ पे। ओ शाकिर तो जी भाई हम हो गए रेडी, चले शाकिर चलो ब्रो। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर एंड हम जाके यहाँ पे रील्स वगैरह बनाते हैं क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक है। यहाँ पे अगर स्टंट करोगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गाइस। वो भाई साहब मेरी जितनी भी अभी जान है ना मैंने सारी हैंडल को पकड़ने में लगाई है।
भाई साहब, मतलब अब टनल में ना पूरा ऐसा सा हो रहा था, पूरी ऐसे ऐसी बाइक कर रही थी, मुझे तो अब इससे आगे ना मतलब डबल पे कंट्रोल करना मुश्किल है भाई। सिंगल में होता तो इससे ज्यादा चले जाता मैं। शिवानी महाराज हम पहुंच गए घर, मतलब गली मान लो, ठीक है ना, चाडूरा से आगे मैं पहुंच गया, मैं कज़न को ड्रॉप किया मैंने अभी रिसेंटली, ठीक है ना। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग को भी हम यही पेंट करते हैं, तो चलिए महाराज आज के व्लॉग को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार राइड के साथ। तब तक के लिए भाई भाई टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड वन थिंग दैट इज़ राइड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है ना। तो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, टनल्स में वगैरह, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की इन सब चीज़ों के लिए, तो आप ये सब बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह में ट्राई ना करें। टनल भी आपने देखी होगी वो खाली थी, दैट्स वाई मैंने इतनी स्पीड पे गाड़ी भगाई है। सो भाई स्टे ट्यून्ड, अगर अभी तक व्लॉग के साथ व्लॉग को जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।